हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम द जू कीपर्स वाइफ इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी और आईएमडीबी पर इस फिल्म की रेटिंग है 7। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। कहानी की शुरुआत होती है यूरोप के पोलैंड देश से और वहाँ पे वॉर्सो सिटी के एक जू से। ये यूरोप का सबसे बड़ा जू था। उस जू को एक पति पत्नी मिलकर चलाते थे, जिनका नाम था जैन और उसकी पत्नी एंटोनिया। उस जू में हर तरह के जानवर थे। एंटोनिया को हर एक जानवर से बहुत लगाव था। उस जू के ओनर एंटोनिया और जैन उसी जू में रहते थे और फिर शाम को उनके घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। वहाँ पर हैक भी आया हुआ था, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट है और हिटलर का हेड जूलॉजिस्ट भी वो है। हैक बर्लिन में एक जू का ओनर भी है और हैक पार्टी में सभी को अपने जू के किस्से सुनाता है कि किस तरीके से उसके जू में एक जानवर बेकाबू हो गया था और उसने उसे गोली मार दी थी। फिर हैक एंटोनिया से पियानो प्ले करने के लिए कहता है और एंटोनिया पियानो बजा रही होती है। तभी वहाँ पर एंटोनिया का बेटा भागता हुआ आता है और बताता है कि हाथी ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है और एंटोनिया भागकर वहाँ पर जाती है। वो हाथी का बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, इसीलिए वो हथनी बेकाबू हो रही थी। जॉर्जिक एंटोनिया को दूर रहने के लिए कहता है। जॉर्जिक उस जू की देखभाल करता है, पर एंटोनिया उसके पास जाकर उस बच्चे को पंप करती है, जिससे कि वो बच्चा सांस लेने लगता है और एंटोनिया बहुत खुश हो जाती है। ये देखकर बाहर खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और जैन, जो कि एंटोनिया का हस्बैंड है, वो इस चीज से बहुत प्रभावित होता है और एंटोनिया की तारीफ करने लगता है। और फिर उसके बाद रात में जैन उसे कहता है कि तुम वॉर्सो छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने कजन के पास चली जाओ, क्योंकि जर्मनी पोलैंड पर कभी भी अटैक कर सकती है। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए जानवरों का ध्यान रखने के लिए रुकूंगा और उसके बाद मैं भी आपके पास चला आऊंगा, लेकिन एंटोनिया इस बात से मना करती है। जैन के बहुत समझाने के बाद भी एंटोनिया नहीं मानती। और फिर दिन आता है 1 दिसंबर 1939 का। एंटोनिया बाहर जू में साइकिलिंग कर रही होती है, तभी वो ऊपर आसमान में जर्मन प्लेन्स को देखती है और भागकर तुरंत अपने बेटे के पास अपने घर में आ जाती है। तभी वहाँ पर प्लेन्स बॉम्बिंग करना शुरू कर देते हैं। एंटोनिया का हस्बैंड जैन तब उस वक्त जू में नहीं था और एंटोनिया अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है, जैसा कि जैन ने उसे बताया था कि कुछ दिनों के लिए अपने कजन के पास चली जाओ, इसीलिए वो बाहर निकलती है उसके पास जाने के लिए। और जू की तरफ देखती है तो वहाँ पर बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। कई जानवरों की बॉम्ब गिरने की वजह से मौत हो चुकी थी। बहुत सारे जानवर शहर के सड़कों पर चले गए थे। और फिर एंटोनिया अपने बेटे को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है कि आज के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है, क्योंकि जर्मन प्लेन्स आसमान में अभी भी मंडरा रहे हैं। सबको तुरंत स्टेशन छोड़ने के लिए कहा जाता है। तभी वहाँ स्टेशन पर उन्हें जैन भी मिलता है। जैन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो तीनों भी फिर से अपने जू में लौट आते हैं। बॉम्बिंग की वजह से वहाँ सब कुछ तहस नहस हो चुका था और ये सब कुछ देखकर एंटोनियो को बहुत दुख होता है। शाम को रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होता है कि जर्मन गवर्नमेंट ने पोलैंड पर अपना कंट्रोल ले लिया है। जू में भी आकर जर्मन आर्मी अपना कंट्रोल ले लेती है। रात को जैन खिड़की से बाहर देखता है, तब जर्मन सोल्जर्स निगरानी कर रहे होते हैं। दूसरे दिन वहाँ पर हैक आ जाता है। वो बताता है कि तुम्हारा जू पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और बाकी बचे हुए जानवरों को जंग में लगने वाले सामान की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि मीट या फिर सूप बनाने के लिए। ये सुनकर एंटोनिया बहुत इमोशनल होकर रोने लग जाती है। तब हैक उसे कहता है कि मैं इन जानवरों को जर्मनी ले जा सकता हूँ और जंग खत्म होने तक उनको वहाँ पर सिक्योर रख सकता हूँ। तब एंटोनिया कहती है कि अगर जंग जर्मनी तक पहुँच गई तो क्या होगा। तब हैक कहता है कि एलाइड फोर्सेस बहुत वीक है, वो जर्मनी पर कभी हमला या कब्जा नहीं कर पाएंगी। मुझे इस जू के सारे प्राइज एनिमल चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनको फ्यूचर के लिए सिक्योर करना चाहता हूँ। और फिर एंटोनिया इस बात के लिए मान जाती है। फिर रात में वो ये बात जैन को बताती है। इस पर जैन कहता है कि उसे मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। वो कहती है कि हैक तो बस हमारी मदद ही करना चाहता है। तब जैन कहता है कि उसे हमारी परमिशन की वैसे भी क्या जरूरत है, वैसे भी वो हिटलर का हेड जूलॉजिस्ट है। और फिर अगले दिन हैक ट्रक लेकर आता है और उन सभी जानवरों को ट्रक में भरता है जो उसे चाहिए थे और एंटोनिया को थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर इसी तरह से दिन बीत जाते हैं और फिर सर्दियों का मौसम आता है।
एंटोनिया अपने बेटे के साथ कमरे में बैठकर बुक पढ़ रही होती है। तभी बाहर हैक आ जाता है। उसके साथ कुछ सोल्जर्स भी होते हैं। वो गाड़ी से उतरकर जू में बचे हुए बाकी जानवर को शूट करने लगता है। ये देखकर एंटोनिया बहुत डर जाती है। जॉर्जिक उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हैक कहता है कि ये सब जानवर ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हाई कमांड से इन्हें मारने का ऑर्डर आया है। एंटोनिया ये सब देखकर बहुत रोने लग जाती है। हैक जॉर्जिक से एंटोनिया और जैन के बारे में पूछता है, लेकिन वो बताता है कि हॉलीडेज पर वो लोग बाहर चले गए हैं। वो झूठ बोल देता है, पर हैक को कहीं ना कहीं पता था कि एंटोनिया यहीं पर है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। और फिर इसी तरह से एक साल बीत जाता है और फिर समय आता है अक्टूबर 1940 का। अब पोलैंड के वॉर्सो सिटी में रहने वाले सभी जूज लोगों को गेटो में शिफ्ट किया जा रहा था। गेटो एक कैद खाना है जो जूज के लिए बनाया गया है, और इस गेटो में एक साथ हजारों जूज को भरा हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि जैन और एंटोनिया के पुराने दोस्त जाइमन और मैग्ना उनसे मिलने के लिए उनके घर पर आए हैं। दोनों जूज है। मैग्ना बताती है कि उसके हस्बैंड मॉरिस को जर्मन्स गेटो लेकर गए हैं। तब जैन पूछता है कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। तब जाइमन बताता है कि मेरे पास इंसेक्ट कलेक्शन है, मैं अपने साथ इसे गेटो में नहीं ले जा सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे यहाँ पर अपने साथ रखो। जाइमन बताता है कि ये मेरे पूरी जिंदगी की मेहनत है, और जैन उस कलेक्शन को रखने के लिए मान जाता है। एंटोनिया को मैग्ना के लिए काफी दुख हो रहा होता है। रात को जैन को वो कहती है कि हम मैग्ना को स्टोर रूम में छुपा सकते हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा। पर जैन उसे बताता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, पर एंटोनिया के दोबारा कहने पर जैन मान जाता है। वो मैग्ना को स्टोर रूम में लेकर आती है। एंटोनिया उसे बताती है कि आधी रात को जब जर्मन्स की पेट्रोलिंग खत्म हो जाएगी, उस वक्त तुम इस कमरे से बाहर आ सकती हो। दिन भर तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा। और फिर अगले दिन जब सभी लोग डिनर पर बैठे होते हैं, तब मैग्ना पूछती है कि क्या तुमने मॉरिस को देखा। तब जैन बताता है कि मैं गेटो के अंदर नहीं जा सकता, उसके लिए पास की जरूरत है। जैन एंटोनिया को बताता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो जूस को छुपाना चाहते हैं जब तक कि ये वॉर खत्म ना हो जाए। और अब जैन भी बाकी लोगों की मदद करना चाहता था। तब एंटोनिया उसे कहती है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब जैन कहता है कि वहाँ पर सभी लोग भूख और ठंड से मर रहे हैं। ये सुनकर मैग्ना वहाँ से उठकर चली जाती है, और फिर फाइनली जैन एंटोनिया को राजी कर लेता है। और फिर अगले दिन दोनों भी हैक के पास जाते हैं और वहाँ उसे बताते हैं कि हम पिग फार्मिंग करना चाहते हैं। हैक ये सुनकर हंसने लगता है, लेकिन एंटोनिया कहती है कि इससे तुम्हारे ऑफिसर्स को मीट मिलेगा। हैक कहता है कि उन पिग्स को तुम क्या खिलाओगे। तब जैन कहता है कि हम गेटो से बचा हुआ वेस्ट गार्बेज उठा लाएंगे और इन पिग्स को खिला देंगे। हैक को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। और फिर अगले ही दिन हैक ट्रक लेकर जू में आता है और वहाँ पर पिग्स को छोड़ देता है। पर ये जैन के प्लान का सिर्फ एक हिस्सा था, उसे गेटो के भीतर जाने के लिए। लेकिन साथ में जैन को डर भी लग रहा था, पर एंटोनिया उसे हिम्मत देती है। दूसरे दिन जैन गार्बेज के लिए गेटो के अंदर चला जाता है, और फिर ऑफिसर उसका पास देखकर उसे अंदर जाने देते हैं। वहाँ पर जैन देखता है कि दो जर्मन ऑफिसर एक जू लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं, और वो उसे लेकर भीतर चले जाते हैं। जैन ये सब देख रहा होता है। वहाँ वो मैग्ना के हस्बैंड मॉरिस से भी मिलता है। वो मैग्ना के बारे में पूछता है। जैन बताता है कि उसे तुम्हारी बहुत चिंता है। तब जैन उस छोटी लड़की का भी जिक्र मॉरिस से करता है जिसको जर्मन्स लेकर गए हैं। तब मॉरिस बताता है कि यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है। फिर जैन कोजियाक से मिलता है, जो एक बूढ़ा ज्यूइश आदमी है। कोजियाक जैन को बताता है कि हमारे पास यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब जैन उसे बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन कोजियाक कहता है कि वो इन बच्चों को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि जैन कुछ जूज लड़कों को अपने गाड़ी में भर लेता है और उनके ऊपर गार्बेज डाल देता है, जिससे कि वो जर्मन्स को दिखाई ना दे। और फिर वो उस लड़की को देखता है जिसको जर्मन्स ले गए थे। वो बहुत डरी हुई थी, जर्मन्स ने उसे काफी मारा भी था। जैन उस लड़की को आगे की सीट के नीचे बिठा देता है और लेकर निकल जाता है। जर्मन्स गाड़ी को चेक करते हैं, उन्हें सिर्फ गार्बेज ही दिखाई देता है, तो वो उसे जाने देते हैं। वो उन्हें घर लेकर आता है। वो इन तीन लड़कों को बताता है कि तुम्हें रात कैनाल में ही बितानी पड़ेगी।
फिर जैन एंटोनियो को लेकर आता है और उस लड़की को दिखाता है। एंटोनिया देखती है कि वो लड़की डर से कांप रही है। वो उस लड़की को बेसमेंट में लेकर आती है। उससे वो नाम पूछती है पर वो कुछ भी नहीं बताती। एंटोनिया उसे प्रॉमिस करती है कि वो आज रात उसके साथ बेसमेंट में ही रुकेगी। सुबह उन तीन लड़कों को जैन ट्रक में छिपा देता है। ये वही ट्रक था जो पिग्स के लिए चारा लेकर आता है। जैन अंडरग्राउंड आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था जो उस वक्त जूस लोगों को सेफली देश के बाहर ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे थे। एंटोनिया अभी भी बेसमेंट में ही थी। वो उस लड़की से कहती है कि अगर तुम अपने परिवार का नाम बताओ तो हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। पर वो लड़की रो रही होती है। एंटोनिया उसे बताती है कि हम एक जू में हैं, पर बॉम्बिंग की वजह से सारे जानवर मारे गए हैं। और फिर अगले दिन जैन फिर से गेटो में जाता है और कुछ बच्चों को छिपाकर लेकर आता है। एंटोनिया सभी को बेसमेंट में ले जाती है और बताती है कि कोई भी शोर मत करना वरना जर्मन्स को पता चल सकता है। वो बताती है कि जब मैं रात में पियानो प्ले करूं तो समझ जाना कि सेफ है और तुम बाहर आ सकते हो, और तुम अगर दिन में पियानो सुनो तो छुप जाना। इसका मतलब होगा कि बाहर खतरा है। हर सुबह जू में एक कुक आती थी जो जर्मन्स के लिए खाना बनाती थी, पर उसे इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर जूस लोग छुप कर रहते हैं। जैन जूस लोगों के नकली दस्तावेज बनाकर उनकी पोलैंड से बाहर निकलने में मदद कर रहा था। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की जिसे जैन गेटो से लेकर आया था वो दीवारों पे पेंटिंग कर रही है और एंटोनिया को ये काफी पसंद आता है। वो लड़की अपना नाम ओरसोला बताती है। उसकी कहानी जानकर एंटोनिया बहुत इमोशनल हो जाती है। और फिर रात को जब वो पियानो प्ले करती है तो ओरसोला भी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर एंटोनिया काफी खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अब ओरसोला भी बाकी लोगों के साथ घुल मिल गई है। दूसरे दिन दरवाजे पर एक दस्तक होती है। इन्हें लगता है कि जर्मन्स आ गए हैं। एंटोनिया पियानो प्ले करती है और सभी लोग छिप जाते हैं। जैन दरवाजा खोलता है और देखता है कि सामने एक शख्स है। वो गेटो से आया हुआ है। वो अपना नाम जिंगलर बताता है। वो बताता है कि मैं गेटो लेबर ब्यूरो से बग्स का कलेक्शन देखने के लिए आया हूँ। अल्सर की वजह से जायमन की डेथ हो गई है और वो जैन से रिक्वेस्ट करता है कि गेटो से जूस लोगों को निकालने में उसकी मदद करे। गेटो में दो दरवाजे हैं। मैं वहाँ तुम्हारे काम करने के पेपर्स बनवा सकता हूँ। जिंगलर जैन के लेबर ब्यूरो के पेपर्स बनवा देता है। दूसरे दिन जैन मॉरिस को अपने साथ गेटो से बाहर लेकर आता है। घर पर मैग्ना उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और रात में मॉरिस सबके साथ बैठा होता है। वो बताता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। और फिर एंटोनिया पियानो प्ले करती है। घर में छिपे सभी लोग बाहर आ जाते हैं और सबको देखकर मॉरिस रोने लग जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जैन और एंटोनिया के बीच में काफी दूरी आ गई है क्योंकि हैक एंटोनिया से मिलने के लिए आता है। हैक एंटोनिया से काफी अट्रैक्टेड है। इस बात का पता जैन को चल जाता है, पर एंटोनिया चाहती है कि हैक को जूस लोगों के बारे में कुछ भी पता ना चले, इसीलिए उसे कभी नहीं रोकती थी। और फिर अगले दिन मॉरिस एंटोनिया से बात कर रहा होता है। तब वो कहता है कि जंग ने सब कुछ बदल दिया है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 1942 अगस्त का समय आ गया है। दूसरे दिन सभी को ट्रेन में भरा जाता है और सभी लोगों से उनका सामान उनके बैग्स ले लिए जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप वही जगह है जहां पर लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। उसमें कई छोटे छोटे बच्चे भी थे। वहां पर जैन भी होता है। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है, पर वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर एक दिन हैक जू में आता है और वो एंटोनियो को छूने की कोशिश करता है। तभी वहां पर जैन आ जाता है, पर हैक जैन का मजाक उड़ाता है। और फिर रात में इस बात को लेकर जैन एंटोनियो को काफी कुछ सुना देता है, पर एंटोनिया कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जैन उसे बताता है कि आज हजारों जूस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारे जाने वाले हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। और फिर इसी तरह से और समय बीत जाता है और साल आता है 1943 का। और फिर हम देखते हैं कि जिन दो महिलाओं को जैन ने गेटो से बचाया था उनके जाली दस्तावेज बनाए थे और उनकी पोलैंड से बाहर निकलने में मदद कर रहा था। जर्मन्स उनकी पहचान करके उनको मार देते हैं। ये बात एंटोनिया और जैन को पता चल जाती है और दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। रात में सब साथ बैठे होते हैं, तभी रेडियो पर अनाउंसमेंट होता है कि आज हिटलर का बर्थडे है और इसी खुशी के मौके पर आज से सारे गेटो बंद कर दिए जाएंगे। तभी बाहर सबको कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। एंटोनिया बाहर आती है और देखती है कि बाहर राख उड़ रही है। उसे पता चल जाता है कि जर्मन्स ने गेटो जला दिए हैं और जितने भी जूस गेटो में बचे थे सब लोग जलकर मारे जा चुके हैं। एक दिन हैक जैन को उस जगह देख लेता है जहां पर नकली दस्तावेज बनाए जाते हैं, तो उसे जैन पर शक हो जाता है। और अगले दिन हैक उसके घर पर आ जाता है। वहां
सिर्फ उनका बेटा था। वो बताता है कि एंटोनिया डॉक्टर के पास चली गई है और जैन दूसरे शहर में है। वो हैक से झूठ बोलता है, फिर हैक वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद एंटोनिया एक लड़की को जन्म देती है और फिर समय आता है अगस्त 1944 का। जर्मन आर्मी कमजोर पड़ने लगी है और जैन भी पोलैंड रेजिस्टेंट आर्मी का हिस्सा बन चुका था जो जर्मन्स के विरोध में काम करता है। एक दिन जर्मन्स पे फायर करते समय जैन को गोली लग जाती है और फिर एक शख्स आकर एंटोनिया को बताता है कि जर्मन्स उसे अपने साथ उठाकर लेकर गए हैं और किसी को नहीं पता कि वो जैन को कहां लेकर गए हैं। एंटोनिया ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। दूसरे दिन एंटोनिया हैक के पास चली जाती है। वो वहां पर देखती है कि सभी जर्मन्स सोवियत के डर से शहर छोड़कर जा रहे हैं। वहां वो हैक को बताती है कि मैं जैन को तलाश कर रही हूं, उसे जर्मन्स कहीं लेकर गए हैं। एंटोनिया उसे कहती है कि क्या तुम हमारी दोस्ती के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तब हैक उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर एंटोनिया उसका साथ नहीं देती और इसकी वजह से हैक को एंटोनिया पर शक हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ उससे छुपा रही है और फिर वो जू को सर्च करने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। एंटोनिया भागते हुए जू में आ जाती है और सभी जूज को बाहर निकाल कर एक ट्रक में भरकर वहाँ से कहीं और जाने के लिए कहती है। एंटोनिया का बेटा घर पर ही था, वो उसे बेसमेंट में छुपाकर लॉक कर देती है और उसके बाद हैक वहाँ पर जर्मन्स को लेकर आ जाता है। हैक बेसमेंट में जाता है, वहाँ वो ओरसोला के बनाए हुए ड्राइंग्स देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर जूज लोगों को छुपाकर रखा गया था। वो देखता है कि बेसमेंट से रेस भागता हुआ जा रहा है, वो उसका पीछा करता है और रेस को शूट करने जाता है पर एंटोनिया उसे रोक देती है। वो एंटोनिया को एक पिंजरे में बंद कर देता है और रेस को शूट करने चला जाता है और एंटोनिया को एक गन शॉट सुनाई देता है और वो रोने लग जाती है। लेकिन हैक ने रेस को नहीं मारा था और वहाँ से फिर वो दोनों पोलिश रेफ्यूजी कैंप में चले जाते हैं। आगे हम एक साल बाद का समय देखते हैं, साल 1945 का, जब वॉर खत्म हो चुका था। एंटोनिया और रेस फिर से अपने जू में लौट कर आते हैं जहाँ पर जॉर्जिक पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। वो दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो सब मिलकर जू को पहले की तरह बनाने में लग जाते हैं। एंटोनिया को जैन की याद आने लगती है, बस वही अकेला यहाँ पर नहीं था। और फिर कुछ दिनों बाद अचानक से जैन एक दिन जू में आ जाता है। वो किसी तरह से जर्मन से बच गया था। एंटोनिया उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और जैन भी अपने परिवार को देखकर इमोशनल हो जाता है और सभी लोग रोने लग जाते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर बनाई गई थी, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था तब वॉर्सो जू में 300 जूज लोगों को एंटोनिया और जैन ने छिपा कर रखा था। कुछ लोग सालों तक वहां पर रहे थे और कुछ लोग बस कुछ रातों तक वहां रुके थे। हैक अपने जू बर्लिन वापस चला गया था पर अमेरिकन बॉम्बिंग के दौरान उसका जू पूरी तरह से तबाह हो गया था और एंटोनिया और जैन ने वॉर्सो जू को फिर से रिबिल्ड किया था। वो जू आज भी प्रेजेंट टाइम तक मौजूद है। तो आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।